सेशन साइट विजिट और गाला डिनर और कल्चर प्रोग्राम के साथ समापन हुआ। आज वो लोग लगभग 9 बजे सुबह दिल्ली के लिए फ्लाइट टिकट का भी कर चुकी है। तो कुछ जानकारियां हैं जो मैं दूंगा कि G20 कंट्रीज में से 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें गेस्ट G20 कंट्रीज से एक पार्टिसिपेशन हुआ और अदर कंट्रीज से 9 पार्टिसिपेशन हुआ। डेलीगेट ब्रेकअप में 4 एम्बेसडर्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 4 डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने पार्टिसिपेट किया, 2 काउंसिल जनरल ने पार्टिसिपेट किया। तो टोटल 43 डेलीगेट्स का पार्टिसिपेशन था और लगभग 50 हमारे इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन थे और लगभग स्टेट गवर्नमेंट से भी 100 ऑफिसर्स और एंटरप्रेन्योर्स और फार्मा कंपनीज के लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। इसमें लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन था, उसमें डिप्लोमेटिक मिशंस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ ओवरसीज इंडस्ट्रीज, हेड्स ऑफ बायलैटरल्स एंड मल्टीलैटरल एजेंसीज, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और लगभग 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इंटरेस्ट जो हुआ है लोगों ने दिखाया है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें जो मुख्य इन्वेस्टमेंट का उन्होंने जिसमें इंटरेस्ट दिखाया है वो आईटी और आईटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लगभग 400 करोड़ का। देन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के एसेसरीज और रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग 100 करोड़ का उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। माइक्रो ब्रूरी में भी इंटरेस्ट लोगों ने दिखाया है इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्काई वॉक, ब्रिजेज और टनल्स में भी लोगों के इंटरेस्ट आए हैं। एक इंटरेस्ट मोनोरेल बनाने के लिए भी है, बट अभी उसमें कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, जस्ट उन्होंने अपना इच्छा बताया कि दे विल लाइक टू इन्वेस्ट इन मोनोरेल इन सिक्किम ऑल्सो। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एग्री प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में भी लोगों के काफ़ी इंटरेस्ट थे, जिसमें अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, क्योंकि हॉस्पिटलिटी सेक्टर में होटल वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट के काफ़ी इंटरेस्ट आए हैं। तो जो कंपनियों ने इन्होंने कुछ इंटरेस्ट दिखाया उसमें इन टैंडम ग्लोबल कंसल्टिंग हैं, आईजिप आउटोज प्राइवेट लिमिटेड हैं, वेलको डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, GHB डिजिटल, महाज सॉल्यूशन, हेडलॉक प्राइवेट लिमिटेड, STC ओवरसीज एजुकेशन एंड सेखो फैमिली ऑफिस, इन लोगों के लगभग 1,000 करोड़ के इंटरेस्ट आए हैं। इसके अलावा जो कल डिलीब्रेशन हुआ उसमें कोस्टा रिका ने बताया कि विथ 95% डिपेंडेंसी इन हाइड्रो पावर, उनका जो कोस्टा रिका की सिचुएशन है, उन्होंने सिक्किम में हाइड्रो पावर में कोलैबोरेशन के लिए इंटरेस्ट दिखाया। नॉर्वे ने भी सिक्किम में स्मॉल हाइड्रो 50 मेगावाट से ऊपर वाले हाइड्रो पावर्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। टनलिंग की एक्टिविटीज़ में भी उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और डिजास्टर मिटिगेशन एफर्ट्स में भी उन्होंने अपनी कहा कि हमारी जो स्पेशलाइजेशन है दैट कैन बी ट्रांसफर टू सिक्किम। स्वीडन ने अपना इंटरेस्ट शिक्षा के क्षेत्र में दिखाया है और उनका है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने से सिक्किम के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान वो कर सकते हैं। UAE ने इंटरेस्ट दिखाया है फॉर प्रमोटिंग रिन्यूएबल सिटी इन गैंगटॉक और आइसलैंड ने हैज बैक द सेम आइडिया, उन्होंने भी रिन्यूएबल सिटी के प्रमोशन में बात की है। इसके अलावा स्लोप स्टेबलाइजेशन प्रपोजल एंड इंक्लूडिंग सिमिलर टोपोग्राफी ऑफ सिक्किम एंड आइसलैंड में कंपैरिजन करते हुए उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। वर्ल्ड बैंक ने भी विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ऑलरेडी सिक्किम में एक विमेन और यूथ एम्पावरमेंट के लिए एक इंस्पायर्स प्रोजेक्ट ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर दिया है, उसमें हमारे लगभग 10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट आए
की संभावना है वहाँ। और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, इन्होंने भी इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी पाक्योंग और बागडोगरा के लिए और टूरिज्म के क्षेत्र में उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये मुख्य बातें थीं। और जो डेलीगेट्स आए उन्होंने सिक्किम की मेज़बानी को काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि भाई सिक्किम में जो उन्हें मेज़बानी मिली, जो उनको दिल से उनका स्वागत हुआ सरकारी महकमे की तरफ से, पब्लिक से तरफ से, सब स्पॉन्टेनियस हो रहा था, उसका भी सभी डेलीगेट ने कहा कि हम लोग डिफरेंट कंट्रीज में और डिफरेंट स्टेट्स में भी गए हैं बट नथिंग कैन बीट सिक्किम। सो विद दीज वर्ड्स आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर टू से फ्यू वर्ड्स। G20 अंतर्गत B20 को समाप्त पछि आज फेरि हामी प्रेस मिटमा भेला भएका छौँ। अनि सर्वप्रथम म सम्पूर्ण प्रेस मिडियाका मित्रगण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु अनि तपाईँहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु किनभने सिक्किमले मेजमानी गरेको B20 हिजो सम्पन्न भएको कार्यक्रमलाई तपाईँहरूको मार्फत सोसियल मिडिया पत्र पत्रिकामा खुबै प्रसारित भएको छ अनि तपाईँले जुन प्रकारको जिम्मेवारी निभाएको छ त्यसप्रति म सरकारको तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष गरेर आज हाम्रो समक्षमा प्रेस मिटको निम्ति आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ मुख्य सचिव महोदय अनि माननीय मन्त्री आइपिआर डिपार्टमेन्ट उपस्थित हुनुहुन्छ, सचिव आइपिआर डिपार्टमेन्ट, सचिव इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट, सचिव एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट अनि एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट हाम्रो एक्सपर्ट हाम्रो डाक्टर अब लगनज्यू पनि हुनुहुन्छ र सिआइआईबाट श्री भट्टाचार्य म आपको भी स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो मुख्य सचिव महोदयले हिजो सम्पन्न भएको B20 बारेमा तपाईँहरूले संक्षिप्तमा बताइहाल्नुभयो र तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुभयो कि सिक्किमको जुन प्रकारको मेजमानी हामीले जो गेस्टहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई सिक्किमको तर्फबाट गर्नुपर्ने जुन गर्यो त्यसले गर्दाखेरि धेरै खुसी छ र विशेष रूपसे म फेरि हिन्दीमै थोडा सा बोल्न चाहन्छु कि जो G20 अन्तर्गत B20 जो कार्यक्रम था, इभेन्ट था, कल समाप्त हो गए तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जितने भी डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के विभाग जो संलग्न है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष रूप से मैं CII जो ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइजर है CII का मिस्टर भट्टाचार्य एंड हिज टीम, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसका जो कल B20 जो इवेंट समाप्त हुआ है इसके लिए जो हमारा पत्रकार साथियों ने जो काम किया है, जो पब्लिसिटी करने के लिए जो सिक्किम का मेज़बानी था इसमें काफ़ी पब्लिसिटी हुआ है तो मैं इनके लिए भी मैं पत्रकार साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और राज्य सरकार की तरफ से हमारा मुख्य सचिव महोदय श्री VV पाठक जी ने अपना बातें रख चुका है कितना कंट्री पार्टिसिपेट किया है और कौन सा कंपनी यहाँ पर आया, क्या क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, तो काफ़ी मतलब एक्ट होकर गया है तो लोग आज जा चुके हैं टोटल। और कल फिर हमारा स्टार्टअप 20 फिर कार्यक्रम है, फिर ये मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रहा है तो इसलिए जो सिक्किम के तरफ से करना था हम लोग ने किया है और सिक्किम का जो भी बात रखना था हम लोग ने डिपार्टमेंट वाइज हम लोग ने प्रेजेंटेशन दिया है और काफ़ी इन्वेस्टर एजुकेशन सेक्टर में और पावर सेक्टर विशेष रूप से, जैसे मैं आज ही मॉर्निंग में हमारा नॉर्वे का टीम को मैंने मिला और बहुत सारे ऐसा है कि सिक्किम का ऐसा देख रहा है कि ये पावर सेक्टर, हाइड्रो पावर, ग्रीन एनर्जी के रूप में वो लोग काम करना चाहता है इस राज्य सरकार से मिलके, और टूरिज्म सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में।
तो काफी लगभग 1,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का भी मतलब आने का संभावना है, इन्वेस्टमेंट आने का संभावना है। लेकिन हम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए कि हम लोग कैसा उनको अटैक करें और हमारा जो भी पॉलिसी उनका कैसा एक साधारण बनाए, सिंपल बनाए, इसी में हम लोग काम करेंगे। और हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोग ने अभी बना चुका है, तो इसीलिए मैं आप सबको मैं फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो सरकार की तरफ तो आप पूछ सकता है, एक एक करके आप लोग पूछ सकता है। थैंक यू। सर नमस्कार, मैं जगन दाहल दैनिक जागरण से। सर ऑलरेडी सिक्किम में बहुत सारे जल विद्युत परियोजना है और एक तो स्क्रैप होने के भी कागज पे पहुंचा था जनरल सिक्किम में, फिर भी जो बाहर से डेलीगेट्स आए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल विद्युत परियोजना को लेकर। क्या फ्यूचर में सिक्किम में जैसे कि सरप्लस है अभी भी पावर, फिर इसकी जरूरत पड़ेगी क्या सिक्किम को? हम लोग देख के जो भारत सरकार ने कईयों हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट को एनओसी दे चुका है, लेकिन काम न है, जो पेंडिंग में जो पहला कहीं कंपनी को दिए थे, लेकिन वो कंपनी काम कर नहीं पाई। ऐसा बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कोई 66 मेगावाट उसके ऊपर भी है, उसके नीचे भी है। और सिक्किम सरकार ने एक पॉलिसी तो बनाया, अभी हम लोग ने जब हम अपना सरकार बनने के बाद हम लोग ने एक पॉलिसी बनाया कि below 5 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट वो खाली लोकल को देंगे और लोकल कैन टाई विद द एनी कंपनी। तो हम लोग जो भी होगा, जो इन्वायरमेंट को बचा के कहीं भी है, ऐसा है जो ऑलरेडी एनओसी मतलब हो चुका है, इनमें हम लोग काम करेंगे। काम करने से क्या होगा, जितना भी हो पावर हो तो स्टेट गवर्नमेंट को फायदा होगा ना, जितना पावर, जैसे हमारा कैपेसिटी है 8,000 मेगावाट, लेकिन अभी प्रोडक्शन हो रहा है 3,500 ओनली, तो अभी भी हमारा हाइड्रो पावर का मतलब काम कर सकता है। लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट को ध्यान में रखे और यहाँ का इन्वायरमेंट में ध्यान में रखे हम लोग काम करेंगे। सर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर सिक्किम ने बहुत पहले से ही काम कर चुका है और कल हमने देखा कि यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ था ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जो अनबालगंज सर ने किया था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो विदेश से डेलीगेट आए हुए हैं, जो विदेश से लोग आए, वो लोग कौन से प्रोडक्ट को यहाँ से सिक्किम में कौन से प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई ऐसा बात हुआ है क्या सर? ऐसा स्पेसिफिक कोई मतलब क्रॉप में वो लोग ने नहीं बताया, लेकिन ऑर्गेनिक सेक्टर में वो लोग काम करना चाहता है, इन एग्रीकल्चर में। इसके लिए हम लोग ने, आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एंड इफको मिल के हम लोग ने रंफू में प्रोसेसिंग यूनिट भी अभी खड़ा कर रहा है हम लोग। वो खत्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, यहाँ का जितना भी गुड्स है, ऑर्गेनिक गुड्स जैसे कार्डमम हो, जितना भी हो, जिंजर हो, हम लोग फिनिश गुड बना के हम लोग बाहर बेच सकता है, ये जो प्योरली ऑर्गेनिक हो जाएगा और इनका प्राइस भी अच्छे मिलेंगे ना। लेकिन ये में करेंगे हम, जिंजर में करेंगे हम, कार्डम में करेंगे ना, जो भी ऑर्गेनिक सेक्टर में वो लोग काम करना चाहता है एग्रीकल्चर, आई थिंक सो ना। अलग और एक सप्लीमेंट्री आंसर है, स्विट्जरलैंड में बहुत इंटरेस्ट जगह है फॉर रॉ ऑर्गेनिक। जैसे जस्ट टू इन्फॉर्म द प्रेस, जितना भी इंडिया का प्रोड्यूस है, चैलेंज क्या है कि टू एक्सपोर्ट टू यू और एनी यूएस कंट्रीज, इट रिक्वायर्स अ वेरी स्टिफ रेगुलेशन ऑफ द केमिकल कंटेंट रेसिड्यू दैट इज इन द वो कमोडिटी, और ऑर्गेनिक में वो रेसिड्यू बहुत कम है। बट द चैलेंज इज टू एक्सपोर्ट इट टू दिस यूरोपियन कंट्रीज वेर दैट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इज देयर, और ये ऑर्गेनिक जो सिक्किम से आता है इट विल मीट दोस क्राइटेरिया। सो स्विट्जरलैंड से बहुत इंटरेस्ट है इसमें। आई वुड लाइक टू एड वन टू मोर पॉइंट्स। जैसा अभी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने बताया कि अब यूरोपियन यूनियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है। पहले केवल वो सर्टिफिकेशन के बेस पे लिया करते थे कि जैसे NOP सर्टिफिकेशन है या NPOP सर्टिफिकेशन है, बट उसमें अब एक नया क्राइटेरिया ऐड किया गया है कि नाउ व्हाट इज द मिनिमम रेसिडुअल कंटेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो रेसिडुअल कंटेंट के ऊपर ही उसकी प्राइस डिसाइड होगी और उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी भी डिसाइड होगी। तो सिक्किम में क्योंकि हम विगत कई सालों से ऑर्गेनिक पे हैं, तो हमारा रेसिडुअल कंटेंट काफ़ी कम है, और इसके अलावा अब उसको टेस्टिंग के लिए भी सभी 6 जिलों में अभी FSSAI के मदद से हम लोग
रेसिडुअल टेस्टिंग लैब समेत सभी 6 डिस्ट्रिक्टों में हम उसको इस्टेब्लिश करेंगे, और इसके बाद हमारा यूरोपियन यूनियन में और वेस्टर्न कंट्रीज में हमारी डिमांड होगी ज़्यादा। इसके अलावा अभी जो हमारा प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर हमारा सर्टिफाइड लैंड है 76,000 हेक्टेयर्स है, और इसमें जो हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हमें अब एक एग्रीगेटर के तरह से काम करना होगा, जिसमें अवेयरनेस फार्मर्स को ले आके कि अगर हम क्वांटिटी अगर बढ़ाते हैं, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी 5 आइटम का, जैसे जिंजर है, टर्मरिक है, लार्ज कार्डमम है, बकवीट है, और जो क्रॉप्स हैं हमारे, उसकी हमें वॉल्यूम बढ़ानी होगी, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शन है अभी वो देश या विदेश के डिमांड को मीटअप करने के लिए सफिशियंट नहीं है। तो जैसे ही हम इसमें एग्रीगेटर की भूमिका आपने निभाएंगे, उसके हिसाब से प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा और उसकी डिमांड भी होगी, और नेचुरली जैसा मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि अब हम इफ़को के साथ और स्पाइसेस बोर्ड के साथ हमारे ऑलरेडी काम चल रहे हैं, जिसमें अब हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इंगेज करके हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे, हम उसकी वैल्यू एडिशन करेंगे, हम उसकी ब्रांडिंग करेंगे, और एक सिक्किम ऑर्गेनिक के ब्रांड से जब हम बिकेंगे पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में, तो नेचुरली जो चीज़ यहाँ अभी हम 50 रुपए में बेचते हैं वो 500 से ज़्यादा में जाएगी। हमारी तेमीटी को कल हम लोगों ने पूरे फंक्शन में तेमीटी ही सर्व किया था, और कल स्टार्टअप में भी हम वही करेंगे, उससे तेमीटी में भी काफ़ी इंटरेस्ट आया है, और वी एक्सपेक्ट कि जब हम उसको प्रॉपर MRF के सर्टिफिकेट के साथ भेजेंगे तो हमारी जो चाय की जो पत्तियां हैं तेमी की वो 10-20 हज़ार रुपए KG में बिकेंगी बाहर। सर, ग्रीन सिटी बेसिकली वेयर द ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग कोड, ऑल द सॉर्ट्स कैन बी यूज्ड। ऑलरेडी व्हाटएवर इज देयर, व्हाट विल हैपन टू दैट, लाइक व्हाट इज एक्सपेक्टेड? व्हाटएवर इज देयर दैट विल रिमेन, ए न्यू आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस विल हैव टू बी डेवलप्ड एज एडिशनलिटी देयर। सर, my name is Sujal Pranan, I am representing India Today Northeast and Eco of India newspaper. Sir, you have talked about the Act India policy, Act East policy last time on the press conference, and Bangladesh, huge delegation from Bangladesh also. So, but Sikkim also very geopolitically, strategically important place. So, there is a risk of influx also. So, how do you like to react to this? Influx within, or you are talking about from without, outside? Yes, outside. Outside? Community. It is more to do with supply chains and logistics, more than anything else. If we are very clear in India about Atmanirbhar Bharat for everything that we do, and when we look at that model, everywhere the world today has understood that India will not be getting people from outside to do their work. It will be the local entrepreneurs who will do it in partnership with someone from outside. And what the value added by the outside people are, firstly the markets that they provide, the connectivity they would provide, the supply chain, sustainable supply chain would be there. These are the areas that the government of India looks at whenever they engage with any foreign country. Over the last few years, this change has taken place in a big way. So I think that answers your question. Sir, my name is Vishnu Nupani. I'm a freelance journalist. So my question is, since the B20 has focused on the IT sectors, most of it's to develop, to convert Sikkim into a IT hub. So what are the characteristics or the policy that the government of Sikkim will take place? And what are the other plans that you have at place? At present, to enhance and to develop that IT sectors into a larger scales. Thank you, Mr. Vishnu Nupani ji. आपने जो
क्वेश्चन रखा है कि आईटी सेक्टर में बहुत सारे कंपनी बाहर का कंपनी भी काम करने के लिए इच्छुक मतलब इच्छा जताया है, इसीलिए हम लोग ने अभी आईटी सेक्टर में जैसे हमारा दो जिले अभी नया है जैसे सोरेंग एंड पाकिंग जिला, तो सोरेंग एंड पाकिंग जिला में हमने पूरे जिले को ही हम डिजिटल बनाने के लिए हम लोग ने ऑलरेडी फ्लोटेड टेंडर फॉर दैट वर्क, हम लोग ने दो जिले को पूरा डेवलप करेंगे ताकि गांव-गांव में हर पंचायत घर में हर बीएससी में ताकि हमारा इंटरनेट फैसिलिटी पहुंच जाए, तो ऐसा होने से हम हर जिले को ऐसा हम लोग डेवलप करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे जो इंटरनेट फैसिलिटी अगर यहाँ बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आईटी सेक्टर तो आ ही जाएगा ना, दिस इज द थिंग वी हैव ऑलरेडी फ्लोटेड द टेंडर। मेरो दुईटा क्वेश्चन छ, फर्स्टली त पाक्योङ एयरपोर्टको कुरा गर्नुभयो नि, यहाँ नेपाल भुटानले त्यहाँ सुन इन्ट्रेस्ट एउटा इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटी हुनुपर्छ भनेर, यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले कसरी यसलाई यो कुरालाई अगाडि राख्छ र अझै धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ होला। सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ जुन 1000 करोडको एउटा इन्ट्रेस्टको कुरा आइरहेको छ, मेरो लाग्छ यो ओभरनाइट हुने कुरा होइन, यसको लागि लट अफ फलोअप मिटिङ हुनुपर्छ होला, र यसको लागि कस्तो स्ट्राटेजी बनाएको छ र अब इन नियर फ्युचर कहिलेसम्म के टेन्जिबल एउटा अग्रिमेन्टहरू हुनसक्छ होला। मिस्टर बिजा भाइ थ्याङ्क यू, आफूले जो क्वेसन राख्या कि जो नेपाल भुटान एन्ड बङ्गलादेशले जो एयर कनेक्टिभिटी उनीहरूले आफ्नो इच्छा जताए इज ए वेलकम स्टेटमेन्ट है उनका, क्योंकि हम लोग भी स्वागत करना चाहते हैं क्योंकि जितना भी हमारा कनेक्टिविटी बढ़े उतना ही अच्छा है ना, उतना ही बिजनेस ज़्यादा होगा, उतना ही टूरिस्ट आ जाएंगे, तो इसके लिए हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब्जेक्ट तो है लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया से बात करके परमिशन ले कर सकता है हमारा जो अभी एक एयरपोर्ट है हमारा पार्किंग में, तो अभी 28 मार्च से तो शुरू हो जाएंगे, रिज्यूम हो जाएंगे, अभी तो हो चुका है, आज कल भी कल परसों भी आए तो आज भी गए, तो इसमें एक है लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट तो है लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग बात करें, और इसीलिए जो हमारा ये टेबल टॉप एयरपोर्ट होने के कारण कभी कभी बिकॉज ऑफ दी वेदर के कारण फ्लाइट तो डाइवर्ट होता है, कोई भी रिस्क तो नहीं लेगा ना, वो पैसेंजर को रिस्क तो नहीं लेंगे, इसके लिए हम लोग ने फिर अभी हमारे ने 27 सीटर हेलीकॉप्टर का हम लोग ने टेंडर पे फ्लोट कर चुका है, इज नाउ बहुत जब अप्रूवल, अब होने के बाद क्या होगा, एक फैसिलिटी बन जाएगी कि 20 सीटर हेलीकॉप्टर बागडोर से यहाँ तक उड़ सकता है, और डबल इंजन अभी जो भी हेलीकॉप्टर है वो सिंगल इंजन है ये, और जो आपने किया है जो इन्वेस्टमेंट का बातें आ गए 1000 करोड़ का, अब हमारा बात शुरू हो चुका है और हमारा तरफ से राज्य सरकार के तरफ से बातें हमारा जो भी है प्रेजेंटेशन रख चुका है, हमारा पॉलिसी के ऊपर बात हो चुका है, तो अब हम उनके आपस में बात करके एग्रीमेंट के बाद तो बाद में है ना, बस जैसे फटक से देखने के देखते ही मिलते ही काम तो नहीं होगा ना, ये जो है प्रपोजल है वो प्रपोजल को गवर्नमेंट के साइड से और जो भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर के साइड से भी इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जो आपने जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात कही है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका खुलासा किया है, मैं एक दो बातें और जोड़ना चाहता हूँ उसमें। एक भारत सरकार की स्कीम है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, इंटरनेशनल उड़ान, उड़ान इज उड़े देश का आम नागरिक, UDAN, तो उसके तहत जो है नॉर्थ ईस्ट पर खास तवज्जो की गई है, नॉर्थ ईस्ट को खास ध्यान दिया जा रहा है, तो जो सिविल एविएशन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर सर यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं सिक्किम सरकार की तरफ से गया था, वहाँ ये बात उठाई गई थी और इसको हम ऑफिशियल प्रतिवेदन भी हमने इसको टेकअप किया है और हम फर्दर कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल उड़ान में ये बेसिक 3 कनेक्टिविटी नेपाल पाक्योङ भूटान पारो पाक्योङ और उसके बाद फर्दर ये ढाका की जो बात आपने कही है 3 देशों की, तो इसको भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाया जाएगा, भारत सरकार का इसमें उनकी स्कीम के अंतर्गत ही है। जी हाँ, धन्यवाद। और एक अभी हम मिस्टर प्रधान जी ने एक बातें उठाए ना रिगार्डिंग द इन्फ्लॉक्स, आप हम लोग ने हर आदमी को इन्फ्लॉक्स से रूप नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो इन्वेस्टर तो आएंगे, जो इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो उनको परमिशन देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हम उनको भी
अगर राज्य सरकार में उनको ये तो इंफ्लक है, अगर उनको इसी नज़रे से देखेंगे तो वो कभी नहीं आएंगे ना, वो तो इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, वो तो बिजनेस करने के लिए आएंगे। जब आप सिक्किम में आप सोचो, जैसा सिक्किम में अपना लैंड एक्ट है, कोई भी बाहर का आदमी लैंड खरीद नहीं सकता, और हमारा जो इन्वेस्टर वो तो सरकार खरीदेंगे, उसके बाद सरकार उनको लीज में देंगे, एक है। और यहाँ जैसा एम्प्लॉयमेंट में भी है, आप देखें रूल, देयर इज़ रूल 4-4, कोई भी बाहर का आदमी कोई भी एक भी गवर्नमेंट पर नहीं हो सकता है। तो ऐसा देखने में से हमारा जो 371F है वो हमारा मजबूत है। तो जो टूरिस्ट आएंगे उसको हम लोग इनफ्लक्स के रूप में नहीं देखना चाहिए, और जो बाहर का इन्वेस्टर है वो उसको भी इनफ्लक्स के रूप में नहीं देखना। और अगर हम लोग हर आदमी को इनफ्लक्स के रूप में देखेंगे तो कोई भी नहीं आएंगे यहाँ पर, दे आर इन्वेस्टर। तो यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। सर, माय वन एडिशनल क्वेश्चन सर, सिंस सिक्किम इज अ लैंड ऑफ द डाइवर्सिटी, इज अ नेचुरल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल एंड अदर डाइवर्सिटी, वेदर द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम हैज सच अ प्लान्स टू पैटेंट द डाइवर्सिटीज ऑफ द स्टेट, लाइक दिस फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑर्किड्स, because of flying the large number of the tourists, they will take the small bushes and they will take away and they patent it, and the system is going to lost all the no Mr. Neupane, aisa nahi hoga, kyunki wahan par act hai, kanun hai, koi bhi tourist kisi bhi flower ko pluck nahi kar sakta, there is a act of the forest, फॉरेस्ट तो पकड़ लेंगे उनको, ऐसा नहीं है, वो देखने के लिए आता है। तो हम लोग जो भी चीज़ में हम लोग पैटर्न कर सकते हैं हम लोग करेंगे, दैट्स गुड फॉर आवर स्टेट, दैट्स द थिंग। सर, ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है उसमें इसका पूरा प्रावधान है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज और PBR जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होता है उसमें जितनी भी उस एरिया उस क्षेत्र की जो BMC के अंतर्गत आती हैं उनमें जो भी स्पीशीज़ हैं उनका अगर PBR में आया हुआ है और ये वहाँ की एंडेमिक है तो इसको कानूनन मान्यता दी गई है। आप इस बात को समझिए। तो जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इतना ये ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ आए और यहाँ की स्पीशी को ले जाए और पेटेंट कर ले। जब यहाँ पार्लियामेंट के द्वारा पारित एक्ट है BMC Section 41, Section 43 ऑफ द एक्ट, उसमें इसका पूरा प्रावधान है। तो इसके जरिए, और यही नहीं, वो जो BMCs हैं उनको इस बायोडाइवर्सिटी के कारण जो भी अगर कोई कमर्शियल फ़ायदा उठाता है कोई, तो उससे उसको उनको फ़ायदा उनको उनका शेयर देना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो ये सारे प्रावधान कानून में ऑलरेडी हैं। थैंक यू। सर, टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक पहले से एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो इसका विभाग का, भालेडुंगा का, तो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला कि इसका विभाग में भी इन्वेस्ट करने के लिए लोग इंटरेस्ट है, तो वही प्रोजेक्ट को आप लोग आगे बढ़ाएंगे कि, क्योंकि जो फर्स्ट फेज का जो काम है रोपवे का ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है, तो सेकेंड फेज में इसका को आप लोग वही काम को आगे बढ़ाएंगे या नए प्रोजेक्ट इसमें लाएंगे? सर, आपने सही बात उठाया कि जो अभी हमारा भालेडुंगा का इस जो प्रोजेक्ट, वो तो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी फंडिंग हुआ है, PM डिवाइन फंड से भी फंडिंग हुआ है, और हम लोग ने जो लास्ट विजिट में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने श्रीमती निर्मला सीतारमण मैडम को भी हम लोग ने रखा कि ये बहुत अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट है, हॉट स्पॉट है, इनके ऊपर जो भी अभी PM डिवाइन फंड से हम लोग ने फंड मिला है उसके ऊपर भी जो स्काई वॉक है उनके ऊपर भी आप दया करें या फंडिंग करें। तो ये मतलब अभी पॉजिटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी पॉजिटिव towards the funding of this project. लेकिन हम जो भी नया कंपनी आएंगे तो हम लोग ने बना चुका प्रोजेक्ट तो हम उनको नहीं देंगे ना, हम कोई नया प्रोजेक्ट जो भी करना चाहेंगे उनको हम उनके ऊपर हम बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, दिस इज नितेश फ्रॉम वॉइस ऑफ सिक्किम एंड द स्टेट्समैन। मेरो प्रश्न गान्तोकसँग रिलेटेड छ। हाम्रो गान्तोक राजधानी सहर भए तापनि यहाँको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अनि इज अफ लिभिङ लाई इन्क्रिज गर्नु लागि यो G20 र B20 को इभेन्ट्सहरूबाट कस्तो कस्तो डिस्कसन र निष्कर्षहरूमा पुग्न राज्य सरकार सफल भएको छ, अनि कस्तो कस्तो अरू बाहिरको स्टेक होल्डरसँग पनि इन्भेस्टमेन्टमा हाम्रो गान्तोक स्पेसिफिकको लागि चाहिँ के केमा डिस्कसनहरू भएको छ, अलिकति यसमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् सर। त्यसमै एडिसन क्वेसन, ग्रेटर गान्तोक चाहिँ कसरी डिफाइन हुन्छ?
Go ahead, just to speak. So, it's in a preliminary stage. What they define sustainability is, they define sustainability in terms of like what type of energy you use, how do you recycle your waste. So, you suffer issues also at the opposite of sustainable tourism. So, right now, UDHD, they are planning a master plan. So, in that master plan, they will clearly segregate which areas are for industrial development, which areas are for tourism, parks, which areas are for schools, which areas are for community. So, once we have a concrete plan, there are many investors ready to invest in such projects because this is more environmentally friendly also. And for in order to realize this, we need some collaboration with other governments, especially we can look at collaborating with Government of Singapore for knowledge, in the sense that they already have huge knowledge in terms of development of cities. And in terms of infrastructure, I think UAE has shown keen interest because they know how to develop the infrastructure in greenfield kind of projects. So UAE has also shown quite a good interest. But in order to tap that, we need to have a very good plan. So right now, it is in the planning stage, and I think once it is concrete and once it is approved by the state government, we can take it forward to the investors. And this investment is not only in terms of infrastructure, it will be in terms of other sectors also, like tourism sector, organic sector. So every sector gets a boost, and it will also facilitate the people living, especially in such kind of cities where they get access to wide range of amenities. So one more supplementary question. When it comes to public transportation of capital Gangtok, has there been any development with international stakeholders? So I think there are many countries who have expressed keen interest in developing like cable car systems. Switzerland has also taken keen interest in whether they can transport that technology to invest in Sikkim, especially in cable cars. There are good companies from France which are already doing Bali Dunga project also. So these are the companies which are likely to invest, and I think the state government is very keen in order to take alternative modes of transport. Good morning, myself Dishan Ongmo. I represent Sikkim Express and Eco of India. My question is on education sector, since we got to know that you are planning to partnership with Sweden in the education sector. So will it not clash with our national education policy, and what kind of benefit are you seeking when it comes to education policy from Sweden? Thank you, Dichen. आपने जो बातें रखे हैं कि आपने जो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार का जो नया एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और इसमें क्लैश होगा या नहीं होगा, ये बात अपने रखें। जैसा जो भी आएंगे बाहर से, जो भी इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे, अपना अपना देश में अपना स्टेट में आएंगे, तो वो जो भी आएंगे इन्वेस्टर, वो तो हमारा अपना कानून के मुताबिक, यहाँ का न्यू एजुकेशन मुताबिक वो उसमें काम करेंगे। कोई क्लैश होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वो तो अगर भारत में आएंगे तो हमारे देश का कानून उनको मानना पड़ेगा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ही वो लोग काम करेंगे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। यही है सर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ डिस्कशन हुआ, कुछ स्टडीज होने के मतलब एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सिक्किम एक फ्रेजाइल पीस ऑफ लैंड है ज्योग्राफिकली अगर इसको देखेंगे तो। क्लाइमेट चेंज, क्योंकि गुरुदुंगमार का कैचमेंट एरिया भी और मेल्टिंग का रिपोर्ट भी है वहाँ पे, तो क्लाइमेट चेंज भी कुछ बात हुआ इस मीटिंग में? ये बिजनेस समिट था तो इसलिए क्लाइमेट चेंज में इसमें कोई ज़्यादा डिलिब्रेशन नहीं हुआ। क्लाइमेट चेंज पे ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, हमारे ग्लोफ पे स्टडीज चल रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, फॉरेस्ट से भी हो रहा है, बट ये जो समिट था उसका पर्पस दूसरा था, तो उसमें सभी चीज़ें डिस्कस नहीं होंगी। वो बिजनेस से रिलेटेड जो भी थी, जैसे हमारी टूरिज्म, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी रिन्यूएबल एनर्जीज और इन सब चीज़ों पर ही बातें हुई, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बातें हुई हैं, तो इसमें क्लाइमेट चेंज का पर से कुछ नहीं हुआ। बट कुछ लोगों जो आए थे उन्होंने सर से, जो आज नॉर्वे की टीम मिली है, उन्होंने कार्बन क्रेडिट के बारे में और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में भी बातचीत चल रही है, और सिक्किम में हमारे पास स्कोप बहुत है
to trade the carbon credits with the international organization. उसके लिए हमारी expert committee उसको examine कर रही है और report आने पे हम we will be able to earn good and handsome amount of revenue from carbon trading also. So why I ask this question is because sir अब जैसे कि हम development बात कर रहे हैं ना investors और development कर रहे हैं companies आ रहे हैं तो उससे climate पे तो impact होगा असर होगा it's correlated that's why I ask the question only ना जो उनका agenda था उसमें climate was not the topic. Thank you समग्रम sir यो नेपाली में अलग तो बोल दिनों समग्रम यो जो चाहे B20 summit बाय ले कत्ती को फायदा बाय means immediate फायदा की बार बोले के दिन में सिक्किम लगे के फायदा हो जाए बन गया विशेष गरेर विजय भाइले कुरा राख्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद दिइरहेछ अब इमिडिएट फाइदा भनेको त जस्तो प्रकारले त्यहाँनिर उहाँहरू आउनुभयो हाम्रो होटल्सहरू चल्यो हाम्रो धेरैवटा है हाम्रो वाहनहरू जति पनि भेकल्सहरू ट्याक्सी भेकल्सहरू चल्यो यहाँको जति पनि व्यापारहरू इमिडिएटली चलिहाल्यो जति पनि चल्ने जस्तै उहाँहरू आएर एमजी मार्गमा घुम्नुभयो त्यहाँ पनि उहाँहरूले सरसामानहरू किन्नुभयो होला होइन उहाँहरूले गिफ्टहरू किन्नुभयो होला यो इमिडिएट फाइदा हो अनि अब इन फ्युचर फाइदा भनेको जति पनि प्रपोजल आइरहेको छ विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नको लागि जस्तै एजुकेसन सेक्टर हेल्थ सेक्टर इभन हेल्थ सेक्टरमा काम गर्नको लागि दे आर रेडी सम कम्पनीज आर रेडी टु वर्क विथ द हेल्थ डिपार्टमेन्ट हेल्थ सेक्टरमा एजुकेसन सेक्टर हेल्थ सेक्टर टुरिज्म सेक्टर एन्ड द पावर सेक्टर टोटल छ यो त बादमा जस्तै अहिले 1,000 करोडको कुरा आउँदैछ इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ यो बढेर जान पनि सक्छ किनभने जब उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूले बढाउनु पनि सक्छ त्यसले गर्दा अटोमेटिकली यो जुन चाहिँ B20 जो G20 अन्तर्गत B20 बिजनेस 20 सब्मिट भयो हिजो यसले अटोमेटिकली नै हाम्रो राज्यलाई फाइदा भयो अनि एउटा त हामीले बिना पैसा किनभने यो त केन्द्र सरकार अनि विभिन्न जस्तै हिजोको अर्गनाइजर हुनुहुन्छ सिआइआईले अर्गनाइज गरेको टल्लै र विदाउट एनी खर्च बिना हाम्रो एक पैसा खर्च नगरिकन हामीले वर्ल्डलाई हाम्रो के छ हाम्रोमा सम्पत्ति हामी के गर्न सक्छौँ त तपाईँहरूलाई हामी कुन क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई हामी है के अरे बोलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले पैसा बिना नै विदाउट एनी मतलब पेन्डिङ पैसा पनि खर्च नगरिकन हामीले यो एउटा एडभर्टाइजमेन्ट पायो यो त ठुलो एचिभमेन्ट हो नि तपाईँले हेर्नुहोस् एडभर्टाइजमा हो सबैले सिक्किमलाई यो रहेछ त्यो रहेछ कतिजना त प्रायः जस्तो मैले देखेँ म जति पनि भेटेँ उहाँहरू फर्स्ट टाइम सिक्किममा आउनुभएको रहेछ र उहाँहरूले उहाँहरूको वेदर उहाँहरूको यहाँको सबै स्विजरल्यान्डसँग उहाँको स्विडेनहरूसँग उहाँहरूले कम्पेयर गर्नु चाहिँ चेक भयो त्यसले गर्दा उहाँको इन्डस्ट्री उहाँ भएको इन्डस्ट्रीहरू यहाँ आउन सक्छन् त्यही कारण हामीलाई अटोमेटिकल्ली यो त धेरै फाइदा हुनेको इन फ्युचर अब अल्टिमेट फाइदा भनेको त तपाईँले हेर्नुभयो ट्याक्सी चल्यो सबै त्यो रेस्टुरेन्ट चल्यो होला होटेल चल्यो सबै चलिहाल्यो यो कुरा हो धन्यवाद सर यसमा यो एउटा एड गर्छु अहिले जो भाइले क्वेसन गर्नुभएको कि जो सबसे बडा फाइदा है जस सरले बताया कि सिक्किम वर्ल्ड के टुरिज्म म्यापमा अपने आप प्रोजेक्ट हो गया जो हमारे 42-45 कंट्रियों के पार्टिसिपेशन हुई उनके 100 से ज़्यादा लोग आए थे तो टूरिज्म का हो या फिल्म का हो जो पब्लिसिटी बाय वर्ड ऑफ माउथ होता है वो हजारों और लाखों रुपए खर्च करके जो पब्लिसिटी के बैनर बनाया जाता है उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो ये जो उन्होंने आया जो सिक्किम का उन्होंने देखा अपनी आंखों से सिक्किम के मेहमानबाजी देखी सिक्किम की होटल की जो फैसिलिटीज़ हैं ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में और इंडिया में बहुत जगहों से बहुत अच्छी हैं वहाँ हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं उसके बारे में हम लोगों ने उनके जो अपने गिफ्ट्स दिए हैं उसमें सारी उसमें हमने पब्लिसिटी मटेरियल दिया हुआ है तो इससे वर्ड ऑफ पब्लिसिटी होगी और ये जब जाएंगे और अपने एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पे आपने लोकल प्रेस में शेयर करेंगे तो वर्ड ऑफ माउथ के बट के द्वारा जो पब्लिसिटी होगी जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है कि वो एक्सीलेंट होगा और हमें उम्मीद है कि टूरिस्ट फुटफॉल इसमें ऑटोमेटिक हमारे आने वाले समय में फॉरेन कंट्रीज के भी बढ़ेंगे हमारे देश के भीतर से भी इसमें फुटफॉल ज़्यादा बढ़ेगा और इसके साथ हमारे जो होटल्स हैं हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं या हमारे जो इकोनॉमिक स्पिन ऑफ्स होता है एक टूरिस्ट के आने के साथ लगभग 200 लोगों का रोजगार जुड़ा होता है तो वो सभी चीज़ों में तो इमीडिएट फ़ायदा होगा बाकी जो इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है
हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और सिक्किम सरकार, उसको पूरी तरह से हम लोग हार्नेस करने की कोशिश करेंगे कि जो इंटरेस्ट आया है उसको हम रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप पंकज जुंगल, ENI एंड ईस्ट मोजो। सर मेरा प्रश्न ये है कि कल जो वर्ल्ड बैंक ने भी एक प्रपोजल रखा था जहाँ पर विलेज और रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए जो नेशनल का स्कीम है वाइब्रेंट विलेजेस, इसको कनेक्ट करके जैसे सिक्किम सरकार का भी आवास योजना का स्कीम है, ये कोरिलेट होके आएगा या कैसे आएगा? क्योंकि अक्सर स्कूल से लेकर हर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में काफ़ी बदतर है, कई सालों से बुरा है। वर्ल्ड बैंक कितना इन्वेस्ट कर पाएगा सिक्किम में? आप सुनिए, हमने जो बातें रखा है, जो वर्ल्ड बैंक इंटरेस्टेड इन विलेज डेवलपमेंट में, लेकिन जो हमारा वाइब्रेंट विलेज का है जो स्कीम है तो केंद्र सरकार का है ना, वो तो रिमोट विलेज जहाँ पर बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया में ये डेवलप करेंगे, जैसे लाचा लाचुंग इन नॉर्थ सिक्किम जैसे। इसीलिए हमारा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर एक राठौर की भी है लाचुंग में, तो वाइब्रेंट विलेज की स्कीम के कारण है हर सारे वाइब्रेंट विलेज वहाँ पर, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेप्ट है कि वहाँ पर जो बॉर्डर एरिया में है वहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट हो, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सब सुविधा मिले, ताकि वहाँ से सुविधा मिलने के बाद तो कोई छोड़ के नहीं जाएंगे। इसीलिए एक कंसेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि बॉर्डर एरिया में हमारा जो पॉपुलेशन सेटलमेंट होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस इज द वाइब्रेंट विलेज स्कीम। तो उसके बाद हमारा अपना राज्य सरकार का जो स्कीम है सिक्किम गरीब आवास योजना है, वो तो गांव-गांव में पर व्यक्ति बनाने वाला घर का योजना है। उसके बाद में जो भी वर्ल्ड बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, कोई कौन सा विलेज को एडप्ट करे क्या करो, वो एक्स्ट्रा ये हमारा है। और आपने जो बताया है जो कि जो एक मतलब आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया कि हमारा स्कूल का कंडीशन मतलब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम गवर्नमेंट के आने के बाद देखो कि हम लोग ने पर एक साल में 105 स्कूल निर्माण किया है, 105 स्कूल्स जहाँ जहाँ पर ठीक नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को भी एक ही साथ में सारे स्कूल के बनाने के लिए तो अपना वाला बजट भी चाहिए, लेकिन हम लोग ने शुरू कर चुका है। और जहाँ जहाँ स्कूल बनाना है, यूनिवर्सिटी बनाए, जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसा गेजिंग डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलेज का जो हालत था पूर्व सरकार में कि 2009 से शुरू हुआ था स्कूल संचमान लिंबू डिग्री कॉलेज क्योंसा या गेजिंग, लेकिन उनका हालत कैसा था, एक रेंटेड हाउस में चल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग ने इस ऑलमोस्ट 55 करोड़ हम लोग ने अपने बजट में मतलब एलोकेट करके अभी इसी साल अभी हम लोग इनको इनोग्रेट कर रहा है। तो हम लोग पूरा जो भी है करना है, हम किसी को दोष नहीं दे रहा है, लेकिन आपका जो प्रश्न है इसलिए मैंने आपने बातें रखा कि हम लोग काम कर, जैसे हमारा जो कंचनजंगा का यूनिवर्सिटी एक रूम में चल रहा था नरबहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज में, हम लोग ने टीवी में ले गए, हमारा तारकू में वो निर्माण कार्य हो गया, तो हम लोग काम कर रहे हैं। और जो वर्ल्ड बैंक ने इंटरेस्ट देखा है जो विलेज में काम करेंगे, विलेज एडॉप्ट करके काम करें, वो दूसरा स्कीम है, नया स्कीम है। वर्ल्ड बैंक की जो आप बात कर रहे हैं, सभी चीज केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता है, देर इज समथिंग कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑल्सो। जैसे हार्डवेयर से ही अगर सॉफ्टवेयर नहीं हो तो हार्डवेयर कोई काम नहीं कर सकता, वहाँ हेल्थ हो या एजुकेशन सेक्टर हो, वो बिल्डिंग से नहीं चलती, वो मैन पावर से चलती हैं। तो हमें जो सबसे ज़्यादा उसमें है कि हमें अपने लोगों को स्किल सेट प्रोवाइड करना है थ्रू वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, जो हमारे खासकर महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए होगा, उनको स्किल सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके माइंड सेट को चेंज करने की कोशिश की जाएगी कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ लग के एक वो मतलब गवर्नमेंट के तरफ नौकरी के लिए जो हम बोलते हैं सिक्किम में झुंडाई दिनु परचा उसकी तरफ नहीं लग के वो एक आदमी 50 आदमी को नौकरी देने के काबिल बने उसकी तरफ वर्ल्ड बैंक वाली जो प्रोजेक्ट है उसमें काम होगी, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा, उसमें विमेन और यूथ को स्किल सेट दिए जाएंगे, उनके ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो अपने आप को कैपेबल माने और सिक्किम के बाहर जाके अपने आप को स्थापित करके औरों के लिए भी रोजगार का अवसर उत्पन्न कर सके वहाँ। सर
भोलि स्टार्टअप 20 को अब भोलि उयो हुँदैछ है त्यसमा कुन कुन देशले भाग लिँदैछ अनि सिक्किमबाट कस्तो स्टार्टअपमा कस्तो कस्तो यसले चाहिँ आउँदैछन् उहाँहरू कस्तो अब उद्यमीहरू यसमा भाग लिँदैछन् यस बारेमा जानकारी यसको विषयमा स्टार्टअपमा कल जो आ रहे लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स इसमें आने की बात है और इसमें भी बहुत सारे देश आएंगे अभी कंफर्मेशन आज कितने कितने डेलीगेट लैंड होने शुरू हो गए 10 बजे से वहाँ में बागडोगरा में उसके बाद आएंगे बट लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स इसमें आएंगे और इसमें वही स्टार्टअप जो पार्टिसिपेट करेंगे विच आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ अटल इनक्यूबेशन सेंटर उसमें सिक्किम के अभी 9 स्टार्टअप हमारे रजिस्टर्ड हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो स्टार्टअप होता है ये कोई मतलब फिक्स सेट नहीं है कि इसमें होगा दिस इज ए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कोई भी स्टार्टअप बना जैसे कोई उसमें अजूबा चीज़ नहीं हुआ बट जो एग्जिस्टिंग चीज़ें को ही प्रॉपर प्रोसेस करके अब जैसे आपका ओयो होटल्स आ गए या स्विगी आ गया जोमेटो आ गया ब्लिंकिन आ गए ये सब स्टार्टअप्स हैं वैसे ही इसमें भी एक दूसरे के आइडिया को शेयर करके इसमें ये एक दिन नहीं 2 दिन का इनका वर्कशॉप चलेगा इसमें इनॉग्रल सेशन के बाद में वो अपने स्मॉल ग्रुप्स में अपने बढ़ जाएंगे और उनकी डिस्कशंस होगी ये क्योंकि इसमें ज़्यादातर यूथ और यंग लोग ही रहेंगे तो सब चीज़ों में जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम से हट के ही काम होगा इसमें तो इसमें स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शंस ज़्यादा होगा अपने जो व्यूज होंगे उसको एक्सचेंज किए जाएंगे शेयर किए जाएंगे और 200 पार्टिसिपेशन की हमें कंफर्मेशन आ चुकी है और हमारे साथ में अभी राज्य सरकार के आईपीआर डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री श्री बी एस पंजी भी है तो उनकी तरफ से भी कुछ बातें रखेंगे प्लीज यो अहिले स्टार्टअप को बारे में तपाईले जुन जिज्ञासा राख्नु भयो मोटामोटी त चिफ सेक्रेटरी साहबले भनिसक्नु भएको छ र हाम्रो विशेष गरी सिक्किमका अनइम्प्लोइड युथहरूलाई हामीले यो नयाँ स्किम चाहिँ 2019 सुरु गरेको हो तपाईँहरूलाई याद छ र हाम्रो भाइ बहिनीहरूले धेरै गरी र ल्याएको छ र उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी यो स्टार्टअपबाट एक्सपोजर हुन्छ उहाँहरूले अवेरनेस हुन्छ उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले त गरिरहनु भएको छ र अब प्यान इन्डियामा के हुँदैछ प्यान वर्ल्डमा के हुँदैछ त्यसको जानकारी उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विशेष यसको एम्स एन्ड ओब्जेक्टिभ त्यो छ यसमा जो अहिले तपाईँ फरेनको आयो अहिले रिपोर्ट आयो हाम्रोमा जो फरेनको डेलिगेट्स आउँदैछ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका फ्रान्स जर्मनी इन्डोनेसिया नेदरल्यान्ड्स बङ्गलादेश इंडिया ओमान मेक्सिको स्वीडन कनाडा कोरिया फ्रांस जापान जर्मनी इटली रशिया यदि थुप्रो देश को छ र हाम्रो आफ्नो देश को पनि लगभग 100 जना पार्टिसिपेंट्स हुन्छ लगभग 100 जना फॉरेनर हुन्छ उसमध्ये सर हमारा जो प्रेस मीट था तो हम लोग अंत में आ चुका है हमारे सामने में जो ये B20 का ऑर्गेनाइजर स्पेशली फ्रॉम द CII मिस्टर भट्टाचार्य इज हियर तो उनके तरफ से कैसा लगा हमारा जो सिक्किम राज्य सरकार के तरफ से कैसा मैनेजमेंट था कैसा अरेंजमेंट था और कैसा रहा कैसा अनुभव रहा क्योंकि CII के तरफ से तो हर स्टेट में इंडिया हर स्टेट में आप लोग विजिट कर रहा है ये B20 के बारे में तो आपका एक्सपीरियंस अगर शेयर करें तो अच्छा रहेंगे कि हमारा प्रेस मीडिया के तरफ से भी वो शायद थोड़ा पब्लिसिटी हो हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट अबाउट CII 120 इस तरह के इवेंट्स कर रही है ऑल ओवर इंडिया एंड विभिन्न सिटीज़ में कर रही है एंड उसमें से इनिशियली नॉर्थ ईस्ट का प्लान नहीं था मगर हम लोगों के उत्साह देख के इन्होंने बोला कि हम नॉर्थ ईस्ट में करेंगे स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो 4 सिटीज़ में किए हैं हमने B20 मीटिंग्स वो थे सबसे पहले हमने इम्फाल में किया उसके बाद आइजोल में किया ये तीसरी जगह है जहाँ पे हमने करी एंड चौथी जगह अभी करने वाले हैं वो है नागालैंड एंड
जितने भी डेलीगेट से बात हुई है, मेनी ऑफ द डेलीगेट्स आर कॉमन, जो मतलब स्पेशली जो ये एम्बेसीज से आते हैं, मेनी ऑफ देम आर कॉमन बिकॉज वो दिल्ली से सारे सेम वही लोग हैं, एम्बेसडर्स हैं, डिप्टी हेड्स ऑफ मिशंस हैं एंड कमर्शल सेक्रेटरीज एंड ऑल दैट. सो इन लोग कॉमन हैं एंड इनका यही कहना है कि ये कुछ अलग से नज़र आ रहा है. नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इवेंट्स किए गए हैं अभी तक वो अलग से नज़र आ रहा है और बहुत ही उमदा किस्म से किया गया है. इसके अंदर अ वेरी गुड मिक्स ऑफ कल्चरल दिस थिंग, लोकल कंटेंट एंड बिजनेस कंटेंट, इसका जो मिश्रण किया है ओवरऑल हैज़ कम आउट वेरी वेल. एंड जो भी गया है वो बहुत अच्छी बातें करके गया. तो कल रात को हम लोग जब ये कंपाइल कर रहे थे तो काफ़ी लोगों से दोबारा बात किए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे या जो डेलीगेट्स थे, सभी का एक ही कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से देखभाल करी उनकी एंड लोकल कुजींस इनको ये करने सेवन करने का मिला, इनको अच्छी जगह देखने को मिली. और कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि ये पहली बार हमको पता लगा कि सिक्किम में इतने होटल्स हैं, इतना हैंडीक्राफ्ट्स डिफरेंट किस्म का है. ये जो जानकारी है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि इमीडिएट अगर कुछ नहीं भी आ रहा, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो लोगों के साइके पे होता है ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे इम्प्रेस हो गए हैं. यहाँ के रोड्स इतने साफ़ हैं, इतने अच्छे तरीके से मेंटेन्ड हैं, कहीं कहीं पर ये गए थे वहाँ पर नहीं था, वो देख के वो कंपैरिजन अपने आप कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी जगह है यहाँ पर बार बार आने के. और होटल्स के क्वालिटीज़ एंड होटल के वो देखकर तो अचंभित थे सब, मोस्ट ऑफ देम ये बार बार उन्होंने बोला कि हमको ये तो बहुत ही अच्छा लगा. और नॉट ओनली दैट, गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पे नंबर ऑफ होटल्स जितने हैं, ये जानकारी सुनने के बाद ये जो टूरिज़्म वाले लोग थे उन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि हमारे साथ लिंकेजेस होने चाहिए, सो दैट इतना कैपेसिटी हमको पता नहीं था. तो हम लोगों ने पता लगाया कितने कमरे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पता लगा कि ऑलमोस्ट 3,500 होटल्स हैं एंड द नंबर ऑफ कीज टू दैट आर ऑलमोस्ट अबाउट 20,000-30,000. सो दैट उसका जो पोटेंशियल है ये किसी को पता नहीं था. यहाँ पर था कि हाँ आप पहले से बात करके जाइए, एक दो होटल्स में रहिए और थोड़ा बहुत घूम लीजिए, मगर यहाँ आने के बाद इनको पता लगा कि लार्जर ग्रुप्स कैन कम हियर, मोर नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज कैन कम हियर, नॉट ओनली कंट्री इवन इंडियंस, मोस्ट ऑफ द इंडियंस डिड नॉट नो अबाउट द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेस फॉर टूरिज्म. ऑर्गेनिक स्टेट, दैट इज अनदर प्लेस वेयर पीपल वर वेरी वेरी एंथुजियास्टिक. इनको ये न्यूज़ में था दैट वर्ल्ड ये यूएन एग्रीकल्चरल एंड दिस थिंग हैड डिक्लेयर्ड दिस एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, बट वो न्यूज़ कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं. मगर यहाँ आने के बाद जब ये सुनते हैं इन लोकेशन, इन लोगों का आइडियाज़ काफ़ी चेंज हो जाते हैं. दे वॉन्ट टू गेट इन टू सम ऑफ देम वॉन्ट टू गेट इन टू सप्लाई चेन्स फॉर टेकिंग देम आउट. वो सवाल पूछ रहे थे कि इसको स्केल अप कितना किया जा सकता है एज फार एज प्रोडक्शन इज कंसर्न. मार्केट्स ढूंढना, दैट इज़ वॉट CII इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट. कि भाई जैसे मैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहा था, इमीडिएट नेबरहुड के अंदर एंड इन आसियान कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली रॉ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जाने का पोटेंशियल है बाई एयर. सो उसके साथ जुड़ जाता है सिविल एविएशन का, यू नो, एयरक्राफ्ट एंड फ्लाइट्स एंड ऑल दैट. सो ओवरऑल एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी विद द वे द स्टेट लुक्ड आफ्टर. एंड वी कैन ऑल्सो से फ्रेंकली स्पीकिंग CII वॉज सरप्राइज एट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वॉज ऑलरेडी डन. क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने पहले आया था और यहाँ आके टोटल चेंज दिखा, बहुत ही अच्छा लगा. एंड वो तो अच्छा लगा ही चेंज, बट मोर देन दैट दी प्रिपरेशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने करी थी वो बहुत ही उमदा किस्म की थी. थैंक यू सर. इसमें एक चीज मैं भी ऐड करूँगा. जनरली हम लोग सिक्किम को छोटा ही राज्य मानते हैं और अपने आप की मेंटेलिटी भी हम लोगों ने छोटी ही बना रखी है, बट ये जो हमारे लिए गौरव की बात है और गर्व की भी बात है कि सिक्किम ही वो स्टेट है जहाँ पे 2 इंगेजमेंट समिट मिले. छोटा होते हुए भी बड़े स्टेटों को जो मतलब वो अधिकार और जो नहीं दी गए वो सिक्किम के कार्यशैली को देख के ही दिया गया.
और सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब बहुत मॉडेस्ट हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट कल जितने भी एम्बेसडर थे, डिप्टी हेड ऑफ मिशंस थे, जितने काउंसिल जनरल थे और जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ग्रीस के एम्बेसडर हों या कोस्टारिका के हों या जहाँ के, वो सब बोल के गए कि जो सिक्किम में उन्होंने देखा और जो सिक्किम की जो ग्रैंडियर और स्वागत उन्होंने महसूस की, और सिक्किम के केवल फिजिकली हम लोगों ने नहीं किया, लोगों ने जो आंतरिक भावना से जो स्वागत किया, दैट इज मतलब इमेजरेबल, जो उन्होंने कहा उसको हम अब कभी भूल नहीं सकते और अब हम बार बार आएंगे और सिक्किम के अब हम ब्रांड एम्बेसडर खुद ही हो गए हैं, जो हम सिक्किम का प्रचार प्रसार अपने देशों में और लोगों में भी करेंगे। थैंक यू। जस्ट ऐड वन थिंग टू व्हाट ही जस्ट सेड। फ्रॉम द सीआईआई पर्सपेक्टिव हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने जब नॉर्थ ईस्ट का हमको काम मिला वो करीब दिसंबर के आसपास मिला, तो उस समय ने इमीडिएटली हम लोग सबको कॉन्टैक्ट किया विद फॉर ऑल दी थ्री स्टेट्स। तो पहले महीने में जब हमारे पास 9 रजिस्ट्रेशन आए थे बाकी जगह के ऊपर, सिक्किम ऑलरेडी हैड 30। सो एंड बाय द टाइम द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस वी हिट से अबाउट 200, सिक्किम हैड 360 और सम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी। आप समझ सकते हैं कितना हम गाली सुन रहे हैं एवरी डे कि किन किन लोगों को हमने आने नहीं दिया। 360 का रजिस्ट्रेशन था एंड दिस वाज द हाईएस्ट। आपने उनको ब्लॉक कर दिया। वी हैड टू। सो सिक्किम का नुकसान हुआ था। बट रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा फ्रॉम डे वन सिक्किम रजिस्ट्रेशन हैव बीन लीडिंग। थैंक यू। तब सबैजना थैंक यू धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नि धन्यवादको कार्यक्रम आधिकारिक रूपमा हाम्रो आइपिआर शक्ति म्याडम नम्रता म्याडमलाई राख्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको अनुमति लिँदै आजको यो पोस्ट इभेन्ट B20 को प्रेस कन्फरेन्समा म सम्माननीय सबभन्दा धन्यवादको क्रममा म सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई उहाँले यो प्रेस मिट राखिदिनु भएको अनि यसमा उहाँको एकदमै व्यस्तता डिस्पाइट इज भेरी बिजी सेड्युल उहाँले आएर यसमा यस प्रकारले उहाँले यो सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा म डिपार्टमेन्टको तर्फबाट सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। त्यसै गरी चिफ सेक्रेटरी सर, ACS सर, टुरिज्म अनरेबल मिनिस्टर, आइपिआर टुरिज्म सर, ACS एन्ड अदर सेक्रेटरीज, अनि तपाईँहरू प्रेसको पनि उहाँहरूलाई सर्ट नोटिसमा भए पनि तपाईँहरूलाई हामीले निमन्त्रणा पाउने बित्तिकै तपाईँहरू आइदिएर तपाईँहरूले यो एकदमै राम्रो राम्रो क्वेसन राखिदिनु भयो र यसको लागि पनि म डिपार्टमेन्टको तर्फबाट र गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र जति पनि यहाँ जति पनि कुराहरू भयो हिजोको सम्बन्ध लिएर आजको कुराहरू लिएर जति पनि तपाईँहरूलाई क्लारिफिकेसन तपाईँहरूले पाउनुभयो र जानकारीहरू पनि पाउनुभयो, तपाईँहरूलाई यही अपिल गर्न चाहन्छु कि एकदमै यो धेरैभन्दा धेरै मात्रामा तपाईँहरूले पुरै यसको पब्लिसिटी गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। ह्याभ अ ग्रेट डे। ओके, थ्याङ्क यू।